फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुछ नया सीखे में। और हम पढ़ रहे थे अपना बुद्धि इंटेलिजेंस, जिसमें हम बहुत सारी कह सकते हैं सारी ही हम सिद्धांत पढ़ चुके हैं सिवाय एक के। और लास्ट हमारा सिद्धांत है बहु प्रतिभा सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर की थ्योरी जो दी थी हावर्ड गार्डनर जी ने, जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसे हम मैं बता दूं कि इससे पहले हम इंटेलिजेंस की सारी ही जो सिद्धांत है वो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। होपफुली आपने वो वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो पिछली वीडियो है और आगे आने वाली भी वीडियो है वो सारी आपको मिल सके। तो जो पहली वाली सारी वीडियो थी उसमें हम थ्री विमिया मॉडल, गिलफोर्ड, स्टर्नबर्ग का ये सब सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, उसके क्या इम्प्लीफिकेशन है और क्या उसके क्रिटिसिज्म है ये भी हमने पढ़ लिए हैं। और उसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर भी ये सिद्धांत आते हैं, इंटेलिजेंस आता है, वहां से आपको 100% मैं बात करती हूँ कि आप 100% वो काम या उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट अपने सिद्धांत की, बहु प्रतिभा सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें देखिए जितने भी ये सारे सिद्धांत आए हैं या बुद्धि की जो भी डेफिनेशंस आई हैं, बताई गई हैं, हावर्ड गार्डनर जी का मानना है कि वो सारी डेफिनेशंस बुद्धि को अच्छे से डिफाइन नहीं करते हैं, वो बुद्धि की किसी एक काम को डिफाइन करते हैं, दूसरे को नहीं करते हैं। तो हावर्ड गार्डनर जी ने अपनी थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखा है। पहला, मानव मस्तिष्क 8 भागों में बटा है। उनका मानना था, अभी वो जिंदा है, हावर्ड गार्डनर जी का मानना है कि मानव का मस्तिष्क जो है 8 भागों में बटा हुआ है और हर एक भाग, हर एक हमारे मस्तिष्क का हिस्सा बुद्धि की किसी एक योग्यता से जुड़ा हुआ है। यानी कि 8 भाग, तो यानी कि 8 बुद्धि की योग्यताएं, यानी कि 8 योग्यताएं हमारे मस्तिष्क में है। बुद्धि किसी भी 8 योग्यताओं से मिलकर बनी है। अब 8 योग्यताएं आपस में जुड़ी हुई नहीं है, उनका मानना है कि ये सारी योग्यताएं सेपरेटेड है, जुड़ी हुई नहीं है, एक दूसरे में कोई भी हेल्प नहीं करती हैं, ये अलग अलग काम करती है। और अगर बुद्धि में एक, किसी भी मनुष्य में एक टाइप की योग्यता है दूसरे टाइप की नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बुद्धि हाई है तो दूसरी भी हाई होगी, योग्यता हाई है तो दूसरी भी योग्यता हाई होगी, ऐसा नहीं है। उनका मानना था कि जो 8 योग्यताएं हैं मस्तिष्क के 8 भागों में, जो 8 योग्यताएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, उनकी इस भाग को सपोर्ट भी मिला है। सपोर्ट कैसा? सपोर्ट देखिए, ये वाली थ्योरी में बता दूं आपको, कोई भी रिसर्च बेस्ड थ्योरी नहीं है। हावर्ड जी ने कोई भी रिसर्च नहीं की है, उन्होंने ये एक्सेप्शन लगाए हैं और एक्सेप्शन लगा के उनके इन एक्सेप्शंस को सपोर्ट भी मिला है। सपोर्ट कैसे? सपोर्ट फर्स्ट केस, जिसमें दो केस हम मानते हैं कि उनके सपोर्ट में है इस थ्योरी के, एक्सीडेंटल सपोर्ट। पहला था एक्सीडेंटल सपोर्ट। एक्सीडेंटल सपोर्ट यानी कि जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज हो जाता है, तो उसकी एक योग्यता पर, या कह सकते हैं अगर ये हमारा दिमाग है और ये 8 भागों में बटा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सपोज उसका ये वाला हिस्सा किसी भी एक योग्यता के लिए था, ठीक, अगर ये वाला हिस्सा उसकी एक योग्यता के लिए है, ये हिस्सा किसी दूसरे योग्यता के लिए है, ये हिस्सा किसी तीसरे योग्यता के लिए, यानी कि ये 8 हिस्से, जैसा कि उनका मानना है हावर्ड जी का, अलग अलग योग्यताओं के लिए है। सपोज इस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी ये वाली योग्यता जो है, उसका ये वाला दिमाग का जो ब्रेन का पार्ट है वो खराब हो जाता है, तो उसका क्या होगा? ये सिर्फ यही वाला पोर्शन जो है उसका इफेक्ट करेगा, चाहे वो कम होगा, चाहे वो भूल जाएगा, चाहे वो अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाएगा, मतलब जो भी योग्यता से ये वाला पोर्शन, जिस भी योग्यता से जुड़ा हुआ था वो वाली योग्यता इफेक्ट होगी, बाकी सारी योग्यताएं जैसे उसका बोलना, चलना, खाना पीना, ये सब ठीक रहेगा। तो ये क्या था? एक उनका एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट है उनकी थ्योरी को, कि हाँ हमारे मस्तिष्क में अलग अलग योग्यताएं होती हैं और अगर एक योग्यता पर या एक भाग पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से मनुष्य के किसी भी एक योग्यता पर इफेक्ट पड़ता है, तो दूसरी योग्यताएं, बाकी की जितनी भी योग्यताएं हैं वो इफेक्ट नहीं होती है।
तो ये था सपोर्ट की ये जो योग्यताएं हैं आपस में जुड़ी हुई नहीं है। दूसरा केस है सावंत सिंड्रोम, या जिसे हम बोलते हैं सावंत सिंड्रोम या स्टूपिड सावंत। देखिए दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है, सावंत। तो ये सावंत वर्ड है क्या? सावंत वर्ड है मेंटली रिटार्डेड पर्सन। लेकिन ऐसा मेंटली रिटार्डेड पर्सन जो किसी भी एक योग्यता में हाईली स्पेसिफाई है, यानी कि हाईली इंटेलिजेंट है, ऐसा पर्सन जो अपने किसी भी एक काम में हाईली इंटेलिजेंट है लेकिन वो असल में मेंटली रिटार्डेड है, यानी कि वो अच्छे से चल फिर नहीं सकता है या तो अच्छे से बोल खा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि किसी भी एक काम में बहुत तेजी के साथ चलती है। जैसे कि बहुत सारी मूवीज में भी ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई भी एक पर्सन है जिसकी आंखें चली गई हैं, देखने की क्षमता चली गई है, लेकिन फिर भी उसकी जो आईक्यू है वो बहुत शार्प है, वो बढ़ जाती है, या फिर कहते हैं कि वो बहुत शार्प है लेकिन वो देख नहीं सकता। कोई भी ऐसा पर्सन जो चेयर पे बैठा है पर्सनली डिसेबल्ड है लेकिन फिर भी उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो क्या है ये सब? ये सब चीज है सावंत सिंड्रोम, और ये सावंत सिंड्रोम एक सपोर्ट देता है हावर्ड गार्डनर की थ्योरी को कि हाँ ये जो आठ योग्यताएं हैं आपस में जुड़ी हुई नहीं है, हमारा मस्तिष्क जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ है और अलग अलग भाग जो हैं किसी भी अलग अलग योग्यताओं को कैरी करे किए हुए हैं, और ये जो योग्यताएं हैं आपस में कोई भी मतलब या कोई भी इनका आपस में जुड़ी हुई नहीं है। हम बात करते हैं आठ योग्यताएं जो उन्होंने दी है, कैसे बुद्धि को उन्होंने आठ बुद्धि में डिवाइड किया है योग्यताओं में। देखिये सबसे ज्यादा क्वेश्चन उनके इसी टॉपिक पर आते हैं, उनकी आठ योग्यताओं पे आते हैं। कोई सा भी दे दिया जाता है या चारों दे दिए, चार दे दिए जाते हैं, उनके ऑप्शन सामने दे दिए जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस वाली बुद्धि में ज्यादा तीव्र होगा। तो इस सब चीज के जो आंसर है वो अभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जैसे जैसे आप आगे आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला जो सिद्धांत है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हावर्ड गार्डनर जी की, ये आपको याद रखनी है कि एक तो ये रिसर्च बेस्ड एक्सपेरिमेंट या थ्योरी नहीं है, ये अजम्पशन बेस्ड है। उन्होंने ऐसा एक्सेप्शन किया हुआ था और उस एक्सेप्शन को लोग मानते भी हैं। क्यों मानते हैं? ये दो सपोर्ट मैंने अभी आपको बताए हैं, और अभी हम आगे बात करते हैं कि उन्होंने कौन सी आठ योग्यताएं दी हैं। पहली योग्यता उन्होंने दी है देशिक बुद्धि और विजुअल स्पेशियल का। उन्होंने ये दिया है कि ऐसे ही बुद्धि में तीव्र व्यक्ति, जो देशिक बुद्धि में तीव्र व्यक्ति होगा वो 3G इमेज को अच्छे से क्रिएट कर पाएगा। 3G इमेज क्रिएट कर पाने का मतलब ये है कि जैसे कि आपके 3D आर्टिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, एक दीवार को देख के ये समझ जाते हैं कि इस दीवार पर कौन सी आर्टिस्ट में किस तरीके का ड्राइंग ड्रॉ करूं ताकि वो इसे अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन मिल सके उसका। तो जो ऐसे लोग होते हैं जैसे कि आर्किटेक्चर हैं या आर्टिस्ट हैं, वो 3D आर्टिस्ट हैं, वो क्या होते हैं, वो लोग देशी बुद्धि में बहुत तीव्र होते हैं, यानी कि उनका जो देशी बुद्धि वाला पार्ट है अकॉर्डिंग टू द हावर्ड गार्डनर वो बहुत इम्प्रूव्ड होता है। नेक्स्ट है भाषागत बुद्धि, लिंग्विस्टिक और वर्बल जिसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। ऐसे लोग शब्द कुशलता में बहुत माहिर होते हैं, शब्द कुशलता में, यानी कि अपनी बातों को स्पष्ट रूप से दूसरे व्यक्ति को समझा पाना। ऐसे व्यक्ति जो अपने शब्दों में अपनी बातों को दूसरे तक समझा पाए, दूसरे को अच्छे से बता पाए कि ये व्यक्ति जो है क्या कहना चाह रहा है, यानी कि मैं दूसरे को क्या कहना चाह रही हूँ ये बात अच्छे से समझा पाए, ऐसे व्यक्ति शब्द कुशल होते हैं। जैसे कि कवि है या लेखक है, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही टिपिकल वर्ड भी जानते हैं और उन टिपिकल वर्ड को एक साथ इकट्ठा करके पिरो के कहानी का रूप भी दे सकते हैं, कविता का रूप भी दे सकते हैं, और उस कविता के पीछे कोई ना कोई मीनिंग भी होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो शब्दों से खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं,
ऐसे व्यक्ति होते हैं भाषागत बुद्धि में बहुत हाई। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि हमारी एक ऐसी बुद्धि होती है जिसे हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द हॉवर्ड गॉर्नर, जो कि तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन करने में महत्वपूर्ण होती है। तार्किक यानी कि ऐसी गतिविधि जिसमें तर्क देना पड़ता है, जिसे आलोचनात्मक यानी कि जिसमें बहुत एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए, ऐसी बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि किन लोगों में होनी चाहिए, क्या कौन से ऐसे लोग हैं जो इस बुद्धि में हाई होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लॉजिकल और मैथमेटिकल, यानी कि मैथमेटिशियन जितने भी होंगे, साइंटिस्ट जितने भी होंगे, जो तर्क हर चीज पर देना चाहे और लेना चाहे व्यक्ति से, यानी कि वो तर्कों को ही महत्व देते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, ऐसे लोग जो तार्किक और गणितीय बुद्धि में हानि होते हैं। नेक्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो कि म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत सारे लोग म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई लोग अच्छे से गाना चाहता है, कोई गाना जानता है, कोई लोग अच्छे से म्यूजिक को कंपोज करना चाहता है। देखिए म्यूजिक को सुनना एक अलग चीज होती है, वो उसे अच्छा लगना एक अलग चीज होती है, और म्यूजिक को समझ पाना बहुत अलग चीज होती है। ये बात कौन करता है, जो एक म्यूजिशियन होता है वो म्यूजिक को कंपोज करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि म्यूजिक को कंपोज करना। कंपोज करने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति म्यूजिक को सिर्फ सुनता ही नहीं है, म्यूजिक को समझता है, किस तरीके से म्यूजिक को और नया म्यूजिक बनाना है। जैसे अगर हम म्यूजिक की बात करें तो ए आर रहमान को हम कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि जो है संगीतात्मक बुद्धि है। नेक्स्ट है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना। ये जो बुद्धि है सबसे ज्यादा यूज होने वाली बुद्धि है आज के वर्ल्ड में, वो सारी गतिविधियां जो शरीर की गति को कंट्रोल करती हैं, वो ऐसी बुद्धि जो शरीर की गतिविधियों को किस तरीके से उंगलियां चलानी है, कहाँ पे हमें मार्कर से लिखना है, कहाँ पे अंडरलाइन कराना है, इसी पार्ट को अंडरलाइन कराना है, यानी कि जितनी भी शारीरिक एक्टिविटी है उन सबको कंट्रोल करती है ये वाली बुद्धि, शारीरिक गतिविधि संवेदी बुद्धि, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करती है ये वाली बुद्धि। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि सर्जन, एक जो डॉक्टर है सर्जन है, वो जब भी अपना ऑपरेशन करेगा तो उसे अपने हाथों को बहुत ही स्पेशल तरीके से चलाना होगा, कंट्रोल वे में करना होगा, कहाँ पर कट लगाना है, कितना कट लगाना है, एक छोटी सी नर्व भी अगर कट जाती है तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसी बुद्धि होती है वो लोग अपने शरीर की गतिविधियों को बहुत कंट्रोल तरीके से, बहुत कंट्रोल करके कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट तो होता है, लेकिन कभी कभी उसकी जो है ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होती, उसे पता सब है, योग्यता है उसमें, लेकिन उसकी जो है राइटिंग अच्छी नहीं है, उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो ये जो राइटिंग वाले इम्पैक्ट है, ड्राइंग वाला इम्पैक्ट है, सर्जन वाला इम्पैक्ट है, डांसिंग वाला इम्पैक्ट है, कैसे पैरों को चलाना है, शरीर को इधर घुमाना है, कौन से हाथ को इधर घुमाना है, किसको इधर घुमाना है, तो वो सारी जो गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करती है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। डांसिंग में, स्विमिंग में, किसी भी एथलेटिक पोर्शन में, एथलेटिक है कोई भी एथलेटिक है, सर्जन है, ऐसा कोई भी काम जो शरीर की एक्टिविटी से बेस्ड होता है वो कंट्रोल करती है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। नेक्स्ट है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल, दूसरे व्यक्ति को अच्छे से समझ पाना, यानी कि इस बुद्धि में हाई व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ सकता है, वो जानता है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है इस टाइम, उसे किस तरीके से उसके साथ सामंजस्य बैठाना है। कौन होते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे कि नेता, आपके नेता सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से या सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है उसको समझ जाते हैं, उसको समझकर, या अच्छे टीचर्स जो होते हैं, टीचर भी समझता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, उसकी बुद्धि किसमें है। तो जो सामने वाले दूसरे व्यक्ति को अच्छे से समझ जाते हैं
वो व्यक्ति इस बुद्धि में बहुत हाई होते हैं, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। नेक्स्ट है आपका अतः व्यक्तित्व बुद्धि। इंट्रा पर्सनल, इंट्रा मतलब कि अपने अंदर, अपने अंदर अपने आप को अच्छे से समझ पाना। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुद को अच्छे से समझ सकता है, जैसे कि मेरी कमी क्या है, मेरी अच्छाई किस चीज में है, मैं कहाँ पर दुर्बल हूँ, मैं किन लोगों से नहीं अच्छे से बात कर पाता, मेरी क्या नाम है, कितने किस हद तक मैं किस कौन सा काम कर सकता हूँ। तो जो व्यक्ति अपने आप को अच्छे से समझता है वो व्यक्ति होता है अतः व्यक्तित्व बुद्धि में इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट, जो प्रकृति को समझ पाता है। प्रकृति को समझ पाना यानी कि बायोलॉजी को समझ पाना, जैसे कि होते हैं हमारे किसान, फार्मर्स क्या होते हैं, उन्हें पता होता है कि आज जो है दक्षिण से हवा चली है, आज जो है पूर्व से हवा चली है, तो आज फसलों के लिए ये चीज सही नहीं है, ये मौसम जो है इस समय इस फसल के लिए अच्छा है, हमारी मिट्टी में जो है ये चीज इस चीज की कमी है, वो हाथ लगाते ही बताते हैं इस चीज की कमी है। या बायोलॉजिकल जो पर्सन है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो पर्सन है, वो भी प्रकृति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति को अच्छे से समझता है वो ही बायोलॉजिकल व्यक्ति बन सकता है, बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में जा सकता है। दूसरे तरीके से भी हम इसे कह सकते हैं। तो जैसे हमारे किसान हैं या बायोलॉजिस्ट हैं, वो सब व्यक्ति प्रकृतिवादी होते हैं। तो ये थी उनकी 8 योग्यताएं जो कि हार्वर्ड गार्डनर जी ने दी थी। इन्हें देखिए मैं जो है पॉइंट में नहीं लिखती, क्योंकि ये कोई ऐसी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि पहली यही होती है, दूसरी यही होती है, तीसरी यही होती है। ये बस उन्होंने 8 दी हुई है, कौन सी पहले दी है कौन सी बाद में दी है इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं एरो लगा देती हूँ। नेक्स्ट जो है वो है एक्सटेंशियल, 9th। हार्वर्ड गार्डनर जी अभी जिंदा है, इसलिए भी ये इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि ये बिल्कुल रीसेंट थ्योरी है, अभी जिंदा है, और उनका जो है या जो खोज है उनकी बुद्धि के ऊपर वो अभी चल रही है, वो अपने एक्सेप्शन लगाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो उन्होंने अभी रिसेंट में ही दिया है एक्सटेंशियल इंटेलिजेंट, ऐसे लोग जो जीवन और मृत्यु का अर्थ खोजते हैं, लाइफ और डेथ की मीनिंग जो खोजते हैं, ऐसे लोग एक्सटेंशियल बुद्धि वाले लोग होते हैं। उन्होंने ये वाली बुद्धि बिल्कुल रिसेंट में अभी दी है। यानी कि अगर सोचा जाए तो अगर क्वेश्चन आता है कि कितनी बुद्धियां उन्होंने प्रपोज की है, 9th अभी उन्होंने प्रपोज की है, तो आंसर आएगा 9th। अगर उन्होंने बताया कि कितनी बुद्धि उन्होंने बिल्कुल बता दी है अब तक, तो वो है, वो कहलाएगी 8। और 8 कौन सी है, ये ऊपर वाली, ये नेक्स्ट उन्होंने अभी प्रपोज कर रखी है, फाइनल नहीं की हुई है। तो ये थे उनका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बात करते हैं शैक्षिक उपयोग की, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो उन्होंने जो अपना ये 8 तरह की बुद्धि दी थी, उनके बहुत सारे शैक्षिक उपयोग में आ सकते हैं, जैसे कि विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाना, किसी भी विषय को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को एक ही तरीके से बच्चों को सिखाया जाए। टीचर को ये करना चाहिए कि एक सब्जेक्ट को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और कोई किसी चीज में इंटेलिजेंट होता है, कोई किसी चीज में, अगर उसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को या टॉपिक को किसी अलग तरीके से भी सिखाए तो वो बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, सीखने का आकलन यानी कि टीचर जो है अपने सिखाने के लिए जो आकलन है, बच्चों ने कितना सीखा है उसका आकलन कैसे करे। तो जरूरी नहीं है बच्चे जो है टीचर जो है टेस्ट लेके ही बच्चे का आकलन करे, हो सकता है कोई बच्चा लिखने में बहुत अच्छा, वो तेजी से लिख ले और सारा अपना एग्जाम पेपर क्लियर कर दे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत स्लो लिखते हैं, उन्हें पता सब होता है लेकिन स्लो लिखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शब्द व्यक्तित्व तो नहीं कर पाते हैं, जो अपनी बातों को अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो उनका मानना था कि जो विविध तरीके हैं बच्चों को सिखाने के लिए, कि बच्चा कितना सीखा है उसे उसका आकलन करने के लिए भी बहुत तरीकों से ये किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति की विश्लेषण
योग्यताएं होती हैं, यानी कि यूनिक एबिलिटीज होती हैं। तो उन यूनिक एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ही टीचर्स को अपना विषय को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि जरूरी नहीं है बच्चा जो है एक एबिलिटी में लो है तो किसी दूसरे में हाई नहीं हो सकता है, वो किसी और दूसरी एबिलिटी में हाई हो सकता है। अगर कोई एक बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो ड्राइंग में भी अच्छा नहीं होगा। हमें यह याद रखना चाहिए हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग कि जो हमारी बुद्धि है वो 8 भागों में विभाजित है और किसी भी व्यक्ति में कोई सी भी बुद्धि बहुत अच्छी हो सकती है, कोई सी भी बुद्धि बहुत कमजोर हो सकती है। इसलिए हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो है यूनिक एबिलिटीज होती हैं, उन यूनिक एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ही पर्टिकुलर बच्चे को सब्जेक्ट्स को सिखाया जाना चाहिए। अब ये जो थ्योरी थी बहुत अच्छी थ्योरी उन्होंने दी है, लेकिन उसकी आलोचना भी बहुत हुई है। आलोचना क्रिटिसिज्म पहला ये था कि इसमें वैज्ञानिक तर्क की कमी थी। वैज्ञानिक तर्क यानी कि इसके सपोर्ट में जो भी चीजें आई वो बहुत कम थी। मैंने 2 केस बताए लेकिन ये बहुत कम थी, क्योंकि ये जो है एक अजेप्शन बेस्ड थ्योरी है, रिसर्च बेस्ड थ्योरी नहीं है, वैज्ञानिक तरीके नहीं है इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए। दूसरा है मानने का कोई तरीका नहीं है, मापने का कोई तरीका नहीं है। मापना यानी कि हम अपनी बुद्धि को किस तरीके से नापे। ये जो 8 योग्यताएं हार्वर्ड गार्डनर जी ने दी है और जो अदर वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि इन्हें हम मापे कैसे पता लगाए किसी व्यक्ति में कौन सी बुद्धि ज्यादा है और ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है। नेक्स्ट है आपस में संबंध, यानी कि उन्होंने ये कहा था। तीसरा पॉइंट उनका क्या था कि 8 जो योग्यताएं हैं 8 भागों से जो मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं वो आपस में कोई संबंध नहीं रखती है, लेकिन जब स्टडी की गई तो ये पाया गया कि जो हमारी बुद्धि है ये आपस में संबंध रखती है। जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति जो जैसे डांसर है या म्यूजिशियन भी है, अगर वो व्यक्ति अपने शब्दों को अपनी म्यूजिशियन को अच्छे से नहीं लिख पाता है, मतलब शारीरिक एक्टिविटीज वो अच्छे से नहीं कर पाएगा तो वो किसी भी चीज को बजा भी नहीं पाएगा। वो हेल्प करती है वहां पर। जो नेचर वाला व्यक्ति था, किसान जो है उसे ये पता होना चाहिए कि हमारी फसल का टाइम कौन सा है, यानी कि उसे जी फैक्टर पर भी या जो कॉमन चीजें हैं वो भी पता होनी चाहिए। तो आपस में बुद्धि का संबंध होता है, जबकि ऐसा हार्वर्ड गार्डनर जी ने नहीं माना था। नेक्स्ट है अवर्णित वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है कि 8 भागों में विभाजित है हमारी बुद्धि, 8 योग्यताएं होती हैं, वो उन्होंने 8 ही क्यों दी। 8 दी, फिर उन्होंने 9वीं भी प्रपोज की, यानी आगे आगे जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है कि ये नंबर बढ़ भी जाए। तो यानी कि उनका वर्गीकरण करने का जो बेस है पीछे का, उन्होंने अजम्पशन कर लिया है कि 8 तरीके की हैं और ये 8 होती हैं, लेकिन ये साइंटिफिक तरीका नहीं है किसी भी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, यानी कि उनका जो वर्गीकरण था वो भी समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है जी फैक्टर को नजरअंदाज किया है। जी फैक्टर हम समझते हैं जनरल फैक्टर, यानी कि जो मनुष्य में कॉमन सेंस होता है उस फैक्टर को उन्होंने बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं किया। जैसे बहुत सारी चीजें कॉमनली याद रह जाती है, कौन सा रास्ता है, कहाँ जाना है, किस व्यक्ति से हम कब मिले थे, तो ये सब वाली जो बुद्धि है उन्होंने जी कॉमन फैक्टर को उन्होंने नजरअंदाज किया है। तो ये थे उनके क्रिटिसिज्म और शैक्षिक उपयोग। तो यहीं पर हमारी बुद्धि इंटेलिजेंस जो टॉपिक था वो खत्म हो जाता है। इसके बहुत सारे पार्ट बने हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि सब चीज आपको पढ़ाई जाए और अच्छे से आपको समझ में आए। तो ये इंटेलिजेंस आपकी खत्म हो गई है यहीं पर। मैं आशा करूंगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।